पवन अरु अपनी परफॉर्मेंस पर जितना ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान वो तैयार होने में और बाकी कामों में भी देते हैं। हर काम को ये बड़े ही चाव के साथ करते हैं जिससे काम भी आसान हो जाता है और इनका दिन भी मजे से गुजर जाता है। मेकअप की कुछ तस्वीरें देख लो, यहाँ भी ये दोनों एंटरटेनमेंट किए बिना नहीं मानते, बाहर जनता का एंटरटेनमेंट करते हैं और मेकअप रूम में टीम का। पवन अरु के मेकअप रूम के कई सारे फोटो सामने आए हैं जिसने पवन अरु के फैंस का दिल खुश कर दिया। दरअसल ऐसा सुनने में आ रहा है कि पवन अरु का इंडिया से भी ज्यादा लंदन में ख्याल रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अरुणिता के पेरेंट्स बन गए हैं पवन, इसलिए मेकअप रूम में वो अरुणिता को अपने सामने बैठा कर उनका मेकअप करवाते नजर आए। ऐसे में अरुणिता को हंसी भी आती है और वो शर्माने भी लगती है। जी हाँ, फोटोज में आप देख सकते हैं कि अरुणिता का हेयर स्टाइल बनाया जा रहा है, तभी पवन उन्हें एक टक निहारते रहते हैं। अरुणिता उनसे कहती है कि तुम मुझे क्या देख रहे हो, तो पवन भी मजाक में बोलते हैं तुम्हें और तुम्हारी अदाओं को। पवन की इस बात पर मेकअप रूम में सभी लोग हंस पड़ते हैं और पवन अरु भी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि पवन जब मजाक के मूड में आते हैं तब भी वो बड़े रोमांटिक हो जाते हैं और उनके मजाक को समझ पाना वाकई बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हर वक्त सीरियस मूड में रहते हैं। वो मजाक को भी सीरियस में बोल जाते हैं जिस पर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। वैसे तो पवन अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन जब उनके साथ अरुणिता यानी उनकी बेस्ट फ्रेंड होती है तो वो मजाक के मूड में भी आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब साफ है कि पवन की अरुणिता से खूब पड़ती है और अरुणिता की पवन से खूब पड़ती है। वही आपको बता दें, अरुणिता के बैमले कॉन्सर्ट की भी वीडियो आ चुकी है जिसमें पवन अरुणिता ने अपने गानों से तो सबका दिल जीता ही, साथ ही उन्होंने अपने लुक से भी सबका मन मोह लिया। अरुणिता वेस्टर्न और इंडियन दोनों लुक में नजर आई। अरुणिता ने लॉन्ग ब्लू स्कर्ट के साथ स्टाइलिश शर्ट पहनी हुई थी जो उन पर खूब सूट कर रही थी। लाइट मेकअप ने अरुणिता के इस लुक को और भी निहार दिया। पर आपको पवन अरु एक साथ कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरु का छुप छुप कर प्यार करना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ये दोनों रिलेशनशिप में है भी कि नहीं ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन इनकी तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ये कपल प्यार में है। लगातार इनकी जो फोटो सामने आ रही हैं उसमें इनकी नजदीकियां खूब देखी जा रही हैं और लंदन में एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। एक पुरानी फोटो में आप देख सकते हैं जिसमें अरु पवन का हाथ पकड़ कर खींचती नजर आ रही हैं। जी हाँ, अरु पवन पर पूरा हक जताने लगी हैं और जो अरु कहती हैं वो पवन करते भी हैं। अरु पवन से कंधा मिलाकर चलती हैं और वो अब तो मीडिया से भी नहीं हिचकती हैं, बल्कि मीडिया के सामने पवन से खूब हंसी मजाक करती हैं। फोटो में आप देख सकते हैं कि अरु पवन का कपल की तरह हाथ पकड़ी नजर आ रही हैं और पवन का ध्यान भी मीडिया के सवालों से हटकर अरु पर ही होता है कि अरु आखिर कर क्या रही हैं। वो सब पवन ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसी फोटो में साइली और दानिश शामिल होते हैं, लेकिन वो दोनों नॉर्मल ही खड़े होते हैं। फोटो में नोटिस अरु के हाथ को किया जा रहा है जो पवन के हाथ में। वहीं इनके दूसरे इवेंट की बात करें तो पवन पहले ही स्टेज पर खड़े होकर अरु का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही अरु की एंट्री होती है वैसे ही तालियां बजने लगती हैं, सीटियां बजने लगती हैं और होर्डिंग होने लगती है। खास बात यह है कि अरुणिता इस इवेंट में भी साड़ी पहनकर पहुंची जिसकी वजह से लंदन की जनता भी खुश हो गई और इनके लिए तालियां बजाने लगी। इस फोटो में कई सारे कमेंट भी मिलते हैं, लोग इन्हें शादी करने की सलाह देते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें सिर्फ करियर पर ध्यान देने की बात कहते हैं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? पवन अरु का एक और नया वीडियो सामने आ चुका है। विशेष ये वीडियो आपका दिल खुश कर देगा क्योंकि पवन अरु के फैंस की नजरों से इनकी एक भी अपडेट मिस नहीं हो रही है और वो इनकी हर एक अपडेट पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। तो हम आपको बता दें कि पवन अरु के साथ साइली दानिश भी लंदन में लंदन आइकन जैसी जगह पर घूमने निकले थे। दानिश ने वीडियो अपलोड करते हुए दिखाया कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। दानिश ने बताया कि वो हैरी पॉटर के सेट पर हैं और यहाँ उन्हें बहुत अच्छा लगा। यहाँ इन्होंने वीडियो शूट करते करते गाना भी गाया। दानिश साइली भी अरु पवन के साथ सड़क पर गाना गाते दिखे। खास बात यह है कि दानिश और साइली तो गाना शूट करने में लगे थे, लेकिन पवन अरु को पता नहीं कौन सा अर्जेंट काम आ जाता है कि वो उस वक्त वीडियो छोड़कर एक दूसरे से बात करने निकल जाते हैं। दोनों एक के बाद एक गायब होने लगते हैं। जी हाँ, वीडियो में आप देख सकते हैं कि दानिश और साइली गाना ही गा रहे हैं और पहले पवन वहां से हटते हैं, फिर अरु भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। पवन और अरु अकेले में खुद को टाइम स्पेंड करते दिखे।
वेल, आपको इनका ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पवन अरु फिर से अपने रोमांटिक वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए। आप समझ सकते हैं कि उन सिंगर्स के लिए एक्टिंग करना कितना मुश्किल होता है जो ऐसे शहर से आते हैं जहां इन्हें एक दूसरे से आंखों में आंखें डालकर बात करने में भी हिचक आती है। वहां पवन अरु को बेहद रोमांटिक सीन करने पड़े। अरुणिता ने पहले ही बताया था कि उन्हें ये सीन करने में बहुत घबराहट हुई थी क्योंकि उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया। कैमरे के सामने रोमांस करना उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन था और अब फिर से अरुणिता को जब ऐसा सीन करना पड़ा तो वो बिल्कुल बिंदास होकर शूटिंग करती दिखी। लेकिन इस बार पवन को घबराहट होने लगी क्योंकि इस बार पवन को अरु की आंखों पर किस करना था। वीडियो आप देख सकते हैं जो ऑक्टोपस के स्टूडियो का है और इनके मंजूर दिल गाने का हिस्सा है। हालांकि गाना तो मंजूर दिल प्ले हो रहा है लेकिन शूटिंग किस गाने की उसके बारे में बता पाना मुश्किल है। इनके सीन देखकर लग रहा है कि पवन अरु के साथ ऐसे सीन करने में घबराहट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये सीन करने से मना भी कर दिया हो। अरुणिता खूबसूरत लॉन्ग ड्रेस पहनी है जबकि पवन व्हाइट पैंट शर्ट पहने दिखे। दोनों रोमांटिक सीन शूट करवाते हैं। इनका ये वीडियो ऑक्टोपस चैनल से अब अपलोड किया गया है। अरुणिता ने बताया कि बहुत छोटा सा सीन था लेकिन छोटे सीन ने काफी दिन लगा दिए। अरुणिता ने बताया कि पवन तो उनसे भी ज्यादा हिचकते हैं, उन्हें बहुत शर्म आती है। अरु ने खुद कहा कि पवन से कोई भी गाना गवा लो, यहाँ तक कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजा लो, लेकिन रोमांटिक एक्टिंग करने में वो कांपने लगते हैं। और ये तो आप जान ही चुके हैं कि पवन हंसने में भी टाइम लगाते हैं, तो सोचिए एक्टिंग करने में वो कितना टाइम लगाते होंगे। वैसे आप पवन अरु की रोमांटिक एक्टिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिवाली का त्योहार है, हर तरफ लाइट्स की चमक है। घरों और ऑफिसों को खूबसूरत लाइट्स और फूलों से सजाया जा रहा है। ऐसे में पवनदीप और अरुणिता भी अपने घर को सजाने में लग गए। इन्होंने भी एक साथ मिलकर दिवाली की सजावट की जिसकी फोटोज भी सामने आ गई हैं। जी हाँ, दिवाली के मौके पर पवन अरु अपने घर पर तो नहीं गए लेकिन जहाँ ये रुके हैं वहाँ इन्होंने दिल से दिवाली सेलिब्रेट की और फिर ये लंदन के लिए निकले और यहाँ भी इन्होंने खूब दीपक जलाए हैं। अरुणिता की एक फोटो सामने आई है जिसमें अरुणिता घर में दिए जलाती दिख रही हैं। उनके आसपास गेंदे के फूलों की सजावट है और मंदिर में भगवान के सामने वो दीपक जला रही हैं। लाइट्स की रोशनी में अरुणिता बेहद खूबसूरत लुक में नजर आ रही हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये फोटो तो इसी वक्त की है या फिर पुरानी है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि अरुणिता लंदन जाने से पहले अपने घर में दिवाली सेलिब्रेट करके निकली थी और अगर ये दिवाली के दिन अपने घर नहीं आ पाए तो ये लंदन में भी दिल से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। मतलब पवन इस बार अरुणिता के साथ दिवाली मनाएंगे। तो आप पवन अरुणिता की दिवाली देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।